हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक ब्रांड न्यू वीडियो में। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाला है। क्यों? वो तो आपको थंबनेल और टाइटल देख के मालूम पड़ ही गया होगा। तो हाँ दोस्तों, जो बहुत दिनों से ट्रैम एंड बजाज की तरफ से एक बाइक आने के बारे में खबर आ रहा था, तो आज वो सच होने वाला है। मतलब आज नहीं, मतलब कुछ ही दिनों में वो सच होने वाला है। क्योंकि दोस्तों, ट्रैम एंड बजाज की तरफ से बहुत ही जल्द एक बाइक लॉन्च होने वाला, एक नहीं दो बाइक लॉन्च होने वाला है, जो कि इसी साल होने वाला है। तो सभी लॉन्च डेट या पर प्राइस जो भी कह लो, वो सभी हम इस वीडियो से बात करेंगे, आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन का आंसर देना ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि है ये दोनों बाइक आपस में क्यों एक साथ काम कर रहा है। जहाँ पर ये दोनों बाइक अपने आप में बहुत ही ज़्यादा अच्छा कंडीशन में है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा बाइक निकल के आ रहा है इन दोनों से। लेकिन दोस्तों, हर एक कंपनी का ओनर चाहता है अपने कंपनी को और ज़्यादा ग्रो करना, इसके मार्केट को और ज़्यादा फैलाना। इसलिए कई कंपनी टेक्नोलॉजी के लिए या पर मार्केट के लिए ऐसे ही आपस में काम करता है। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल के लिए ले लो, हमारे देश के हीरो कंपनी एंड होंडा ने मिलके भी बाइक बनाया था, इसके अलावा TVS एंड BMW ने मिलके यहाँ पर बाइक बनाया था। इसी तरह इस बार आपको बजाज एंड ट्रायम्फ की तरफ से बाइक देखने को मिलेगा। तो एक साथ काम करने पर इन दोनों कंपनी को क्या क्या फ़ायदे मिल रहा है, वो हम लास्ट में बात कर लेंगे। लेकिन अभी हम बात कर लेते हैं इन दोनों कंपनी ने मिलके कौन सा बाइक लॉन्च करने वाला है। तो दोस्तों, ट्रायम्फ एंड बजाज की तरफ से जो दो बाइक लॉन्च होने वाला है, उनमें से एक बाइक ऑफरोडिंग बाइक होने वाला है, जो कि स्क्रैम्बलर या पर एडवेंचर बाइक होने वाला है। और ये बाइक लॉन्च होने के बाद हिमालयन जैसे बाइकों के लिए बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन बढ़ जाएगा। क्योंकि दोस्तों, ट्रायम्फ जाना जाता है अपने क्वालिटी बाइक के लिए। क्योंकि दोस्तों, ट्रायम्फ के बड़े सेगमेंट के दो ऑफरोडिंग बाइक इंडियन मार्केट में पहले से है, जो कि है ट्रायम्फ टाइगर 800 एंड 1200, जिन दोनों को ऑफरोडिंग के मामले में बीट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो इसलिए दोस्तों, ये जो बाइक लॉन्च होने वाला है, उसको भी बीट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है बाकी सभी बाइकों के लिए। इसलिए 300 टू 400 कैटेगरी के ऑफरोडिंग बाइकों के लिए बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ जाएगा। उसके वजह से हम लोगों को और भी अच्छे अच्छे बाइकों का ऑप्शन मिल जाएगा। और दूसरा बाइक जावा 42 या पर होंडा हाइनेस जैसा होने वाला है, जो कि इस कैटेगरी के बाइक के लिए बहुत ही बड़ा एक कॉम्पिटिटर होने वाला है। तो और इसमें आपको शायद LED हेडलाइट भी मिल जाएगा। और दोस्तों, बात करें इसके प्राइस के बारे में, दोस्तों इन दोनों ही बाइक का एक शोरूम प्राइस लगभग 2,50,000 के आसपास होने वाला है। हाँ, प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन दोस्तों अगर आप एक क्वालिटी बाइक खरीदने के बारे में सोच रहे हो, तो फिर आपको इतना खर्चा तो करना ही पड़ेगा। और दोस्तों, अगर आप एक 350 कैटेगरी का बाइक खरीदने के बारे में सोच रहे हो और उसमें आपको 2 लाख से ज़्यादा दे रहे हो, तो और थोड़ा सा पैसा ज़्यादा देके एक अच्छा बाइक खरीदना ही चाहिए। तो दोस्तों, आप बात करेंगे लॉन्च डेट के बारे में, जिसके लिए आप लोग अभी तक इंतज़ार कर रहे थे और मैं भी आप लोगों को इंतज़ार करा रहा था। क्योंकि दोस्तों, वीडियो के बारे में भी सोचना पड़ेगा, आप लोगों को इतना देर तक खींच के भी रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों, मैंने थोड़ा सा लेट में बताया, तो माफ़ करना अगर आपको बुरा लगा। तो दोस्तों, इस बाइक का जो लॉन्च डेट होने वाला है वो अगस्त 2023 में, ठीक है, जुलाई में भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा चांस है अगस्त 2023 में लॉन्च होगा। तो अगर आप ये बाइक खरीदना चाहते हो, तो फिर आपको और एक दो महीने वेट करना पड़ेगा। रुकिए दोस्तों, अभी भी वीडियो ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी एक चीज़ बाकी है, जो कि मैंने पहले ही वादा कर चुका हूँ आपको कि मैं कहूँगा। तो वो चीज़ क्या है, शायद आप लोग भूल गए होंगे, लेकिन मैं याद करा देता हूँ कि दोस्तों, मैं वादा किया था कि ये दोनों कंपनी एक साथ काम क्यों कर रहा है, इन दोनों को क्या क्या फ़ायदा होने वाला है, वो सभी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, अगर आपको वो चीज़ें जानना है, तो फिर वीडियो में रहिए, नहीं तो दोस्तों आप लाइक करके और सब्सक्राइब करके वीडियो को क्लोज कर सकते हैं। दोस्तों, पहले बात कर लेते हैं इन दोनों कंपनी के एक साथ काम करने में ट्रायम्फ का क्या क्या फ़ायदा होने वाला है। आपको शायद पता होगा, ट्रायम्फ एक ब्रिटेन कंपनी है, मतलब ब्रिटेन में इसका तो बहुत ज़्यादा शोरूम होगा, लेकिन इंडिया में बहुत ही कम शोरूम यहाँ पर देखने को मिलता है, यहाँ पर सर्विस सेंटर का बहुत ही कम है इंडिया में ट्रायम्फ का, ठीक है। दोस्तों, इंडिया में बजाज का सर्विस सेंटर यहाँ पर शोरूम आपको कोने कोने में मिल जाएगा। इसलिए दोस्तों, बजाज के साथ ट्रायम्फ ने एक साथ काम करने के बारे में सोचा। और दूसरा जो फायदा है कि बजाज को इंडियन मार्केट के बारे में ज़्यादा पता है ट्रायम्फ के मामले में। भारत का जनता क्या पसंद करेगा, कौन सा बाइक ज़्यादा चलता है, यहाँ का वेदर कैसा है, यहाँ का रोड कंडीशन कैसा है, ये सभी चीज़ें यहाँ पर बजाज को ज़्यादा अच्छे से पता होगा। और तीसरा जो है वो है, ट्रायम्फ को एक इंडिया जैसे बहुत ही बड़ा एक मार्केट मिलेगा अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। और अगर इसका प्रोडक्ट अच्छे से चला, तो ये भी यहाँ पर आके शोरूम बना सकता है। और चौथा जो है, आप सभी को पता ही होगा इंडियन टैक्स रूल्स के बारे में, तो बाहर से अगर कोई कंपनी इंडिया में सेल करने के लिए आता है, तो उसे दुगने से भी ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है। और इंडियन कंपनी अगर इंडिया में सेल करता है, तो फिर उसे बहुत ही ज़्यादा कम टैक्स देना पड़ता है। इसलिए दोस्तों, ये भी एक ट्रायम्फ को फ़ायदा होने वाला है, ठीक है।
तो बजाज के फायदे के बारे में बात करें तो ट्राइम के साथ काम करने पर बजाज को भी बहुत सारे फायदे मिलेगा, जैसे कि बजाज को बहुत सारे टेक्नोलॉजी मिलेगा, बड़े बाइकों में काम करने का एक एक्सपीरियंस मिलेगा, और प्रोडक्ट अगर सक्सेसफुल रहा तो फिर बजाज के साथ और भी कई कंपनी, बड़े बड़े कंपनी काम करना चाहेगा, और भी बहुत सारे फायदा बजाज को होने वाला है। और एक चीज़ जो दोनों को फायदा होने वाला है वो है इस प्रोडक्ट को सेल करने के बाद जो प्रॉफिट होगा ये दोनों ही कंपनी को मिलेगा। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको जरा से भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और इन दोनों बाइक के बारे में आपका क्या ख्याल है वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। तो आज के लिए यही तक ही था, फिर से मिलेंगे किसी और एक दिन और एक वीडियो में।